हेलो गाइस, तो क्या हाल आप सब की। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कई दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं मलेशिया के वीजे के बारे में, क्योंकि 1 अप्रैल को वीजा ओपन होने जा रहा है। कि मलेशिया की जो गवर्नमेंट है अब तक 3,13,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, जो कि 1 अप्रैल से जब फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी तो हर कंट्री से वर्क वीजे पे आएंगी मलेशिया के अंदर। तो टोटल जो एप्लीकेशन है 3,13,000 एप्लीकेशन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो जिसमें से 1,93,000 मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होगा, जो फैक्ट्री वर्क होता है, और उसके बाद जो सर्विस सेक्टर के अंदर है 48,000 कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है। उसके बाद आ जाता है प्लांटेशन के वीजे में इन्होंने 36,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 27,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, और जो लास्ट है एग्रीकल्चर में इन्होंने 13,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है। तो ये वीजे ओपन होंगे 1 अप्रैल से, जिसमें है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का लगा ले, प्लांटेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का और एग्रीकल्चर का। तो ये 5 वीजे फर्स्ट में ओपन होने जा रहे हैं। उसमें साथ में ट्रैवल वीज़ा भी ओपन इन्होंने अनाउंस कर दिया, ट्रैवल वीज़ा भी साथ में ओपन करेंगे, तो हर एक कंट्री से मलेशिया के अंदर आ सकेंगे। और अभी पिछले ही हफ्ते मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि 1 मई से बेसिक सैलरी, फॉरनर हो या लोकल हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास वीज़ा है, आप लीगल तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है 1,500 रिंगिट मलेशियन होगी। उसके बाद उसमें होता है 8 घंटे की ड्यूटी की आपकी 1,500 रिंगिट सैलरी होगी, और अगर आप 4 घंटे और एक्स्ट्रा करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उसके आपको अलग से ओटी मिलेगी। तो इसमें आपकी 1,500 बेसिक सैलरी हो जाएगी, और अगर ओटी भी करेंगे आप, ओटी करके आप 2,000 से ऊपर निकालेंगे, 2,000 मलेशियन रिंगिट, जो कि अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसका जो रेट है अप डाउन होता रहता है। तो अभी जो रेट चला हुआ है 17-18 के बीच में रहता रेट। और एक भाई पूछ रहा था, जो भाई मलेशिया से इस वक्त जा रहे हैं, और लगेज का वेट बदवा सकते हैं या नहीं बदवा सकते, या फिर किसी भी कंट्री से वहाँ से आएंगे या फिर मलेशिया से जाएंगे, तो वो अपने लगेज का वेट बदवा सकते हैं या नहीं बदवा सकते, तो उस पर भी एक न्यूज़ आई है। आप ये स्क्रीन पे देख लेना, ये जो ऑस्कर हॉलीडे वाले टिकट बुक करके देते हैं, इन्होंने 10 किलो का ऑफर दिया है 119 रिंगिट। तो इसमें आप 119 रिंगिट पे करके 10 किलो वजन भिजवा सकते हैं, तो जो उसमें आपको टोटल वेट मिलेगा 25 किलो मिलेगा, और 7 किलो आप जो हैंडबैग होता है उसमें ले जा सकते हैं, तो टोटल हो गया 32 kg हो गया। और 10 किलो अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो आप बढ़वा सकते हैं, 119 रिंगिट आपको अलग से पे करना होगा, तो उसके बाद आपका वेट हो जाएगा 40 से ऊपर, तो 42 kg आपका वजन हो जाएगा जो लगेज का है, तो उसके बाद आप ले जा सकते हो। और एक भाई पूछ रहा था कि जो अप्रैल है, अप्रैल का शेड्यूल आ गया कि नहीं आ गया विकी भाई, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1 अप्रैल से टोटली फ्लाइट मलेशिया की ओपन हो जाएंगी। इस वक्त जो फ्लाइट जा रही है, जो इंडिया के लिए जा रही है, एयर इंडिया जा रही है, बाकी दूसरी साइड से भी जा रही है, जैसे कि आप श्रीलंकन एयरलाइंस करते हैं, दुबई एयरलाइंस करते हैं, तो आप कोई भी एयरलाइंस आप बुक कर सकते हो, लेकिन जो मलेशिया से डायरेक्ट इंडिया जा रही है वो सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है। तो 1 अप्रैल से सारी फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, तो शेड्यूल नहीं आएगा, पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पैसे पे कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी होती है जहाँ पर टिकट बुक होती है वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट करवा सकते हैं टिकट बुक। पहले जो अभी लॉकडाउन में शेड्यूल आता था, क्योंकि सिर्फ एक ही फ्लाइट जा रही थी इंडिया में, या फिर पाकिस्तान में एक ही फ्लाइट जा रही थी पाक एयर, और बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की एयरलाइंस जा रही थी, बाकी जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो उनकी एयरलाइंस है वही जा रही थी, लेकिन अभी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, सारी फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, तो अब शेड्यूल नहीं आएगा। तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जो उसकी साइट है, साइट पे जाके। तो वीज़ा ओपन हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो जहां आपने 1.5-2 साल वेट किया है, आप 10 दिन और वेट कर लो, होपफुली वीज़ा ओपन हो जाएगा। जो इन्होंने ये 5 वीजे अनाउंस किए, तो अपना बैग पैक कर ले और 1 अप्रैल से आप तैयारी कर ले मलेशिया में आने की। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।